बच्चों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या है उस कार्यक्रम का उद्देश्य? सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है परवरिश योजना। ये उन बच्चों के लिए है जो 0 से 18 वर्ष की आयु में जो बच्चे हैं, लेकिन जिनके माता पिता का देहांत हुआ है या फिर जिनके माता पिता जैसे कोई कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, HIV से पीड़ित हो या फिर जेल में हो, जिसके कारण उनका पालन पोषण करने में कठिनाई आ रही है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, अगर प्राइमरी अगर हम लोग एस्टिमेट इसका देखें तो लगभग 7 से 8 हज़ार ऐसे बच्चे होने चाहिए जिला में। 2,500 हमारे पास पूरा जिला में सिर्फ HIV बाधित लोग हैं। अगर कुष्ठ रोग पीड़ित और जो बाकी लोग को अगर जोड़े तो कम से कम 5 से 6 हज़ार ऐसे अभिभावक हैं हमारे जिला में। लेकिन जितने बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए उसमें से मात्र 10 से 15% बच्चों तक ये योजना पहुँच पा रही है। तो जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार हम लोग एक पहल कर रहे हैं कि ART सेंटर जहाँ पे सभी HIV बाधित पेशेंट आते हैं या फिर अन्य जो जो व्याधियों से ग्रसित जो लोग हैं कुष्ठ या अन्य चीज़ों से, तो वो पेशेंट जहाँ पे आते हैं ART सेंटर, वहाँ पे ही हम लोग संबंधित विभाग है उनके कर्मी तथा NGO कर्मियों को वहाँ पे उनके सहयोग के लिए लगाया जाएगा। 11 से लेकर 30 सितंबर तक प्रतिदिन वहाँ पे प्रशासन की तरफ से व्यवस्था दी जाएगी फॉर्म भरने की, और जो संबंधित कागजात होते हैं वो हमने ऑलरेडी सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भेजा हुआ है कि ये कागजातों की आवश्यकता है। जो भी लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं तो सभी से अनुरोध है कि कागजातों के साथ वही पे आइएगा, आपका आइडेंटिटी गुप्त रखा जाएगा अगर आपकी इच्छा है तो, और आपको बिना किसी झंझट का, बिना किसी दिक्कत का इस योजना का लाभ मिलेगा ताकि आप अपने बच्चों का अच्छे से परवरिश कर पाए। सर, इस योजना में जो राशि मिलने वाली है वो प्रति माह दी जाएगी या प्रति वर्ष? प्रति माह इसमें हर बच्चे के लिए, अगर 2 बच्चे हैं ऐसे अभिभावकों के अगर योग्य जो पाए जाते हैं, प्रति माह उनके खाते में 1,000 रुपये, अगर 2 बच्चे हैं तो 2,000 रुपये, 1,000 रुपये दोनों के खाते में, ऐसे 2 बच्चों के लिए 24,000 रुपये, 1 बच्चे के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष या फिर 1,000 रुपये प्रति माह उनके खाते में सीधा चला जाएगा। सर, इसमें दस्तावेज क्या चाहिए? जो भी डॉक्यूमेंट का आवश्यकता होगी बेसिक वहाँ पे चाहिए। अगर माता पिता का देहांत हुआ है तो डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। अगर जिंदा है और कुछ रोग से या फिर HIV अन्य कारणों से पीड़ित है तो उससे संबंधित एक कागजात मिलता है जो आइडेंटिटी इशू होता है तो वो चाहिए होगा। उसके अलावा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, अगर डेथ हुआ है तो उस केस में जॉइंट अकाउंट जो बच्चे का गार्जियन है और जो बच्चा है उनके नाम से, ये और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट होंगे वो सभी के साथ शेयर किए हुए हैं। जो फॉर्म है वो भी दिया हुआ है अलग से, जो भरने के लिए फॉर्म ART सेंटर पे जो सदर अस्पताल आरा में उपस्थापित है वहाँ पे रहेगा, लेकिन ऑनलाइन भी आप सभी के पास वो फॉर्म उपलब्ध है। इसके अलावा अगर कोई नहीं आ सकता है यहाँ पे तो जो आपके नियरेस्ट ब्लॉक कैंपस है वहाँ पे BDO साहब लोग को और CDPO जो आपके आंगनबाड़ी से संबंधित जो पदाधिकारी होती है उनको अलग से निर्देशित किया गया है, वो वहाँ पर भी प्रखंड स्तर पर भी आपका आवेदन देंगे। लेकिन ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो कभी भी दे सकते हो आप, लेकिन सबके सहयोग के लिए एक मिशन मोड में अभियान के तौर पर 11 से लेकर 30 तारीख तक के सदर अस्पताल में चलेगा।